अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं मटर वाला पुलाव। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। सबसे पहले हमें चाहिए प्याज, ये हम डालेंगे कढ़ाई में। उसके बाद हम एक कप ऑयल डालेंगे और इसको लाइट ब्राउन करेंगे। लाइट ब्राउन होने तक इसको हम भूनते रहेंगे। इसके लिए हमने प्याज ब्राउन किए हैं और अब हम इसमें डाल रहे हैं मटर, सब्ज़ी, मिर्च और टमाटर। ठीक है, अब हम इसको हल्का सा भून लेंगे क्योंकि हम लोग हाफ के जी बना रहे हैं, तो दो कप चावल। इसके लिए हम दो चम्मच नमक डालेंगे, ठीक है, और हाफ चम्मच लाल मिर्च, हाफ चम्मच ये जो रेड वाली होती है कुटी हुई, ये डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी हसबे जायका और इसमें एक चम्मच गरम मसाला, ये लौंग, जीरा, ये काली मिर्च, ये सब हम डालेंगे इसी के अंदर। और इसको दालचीनी, ये सारे गरम मसाला हम इसमें डाल के इसको हल्के से भून लेंगे। हम थोड़ी देर के लिए इसको दम पे दे देंगे ताकि मटर भी गल जाए और टमाटर मसाला सब मिक्स हो जाए। जी, अब हम इसे देखते हैं। ये देखें, ये मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें दो कप चावल थे तो चार कप पानी डालेंगे। अब हम इसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए दम पे दे देंगे ताकि पानी गर्म हो जाए। जी, अब हम देखते हैं, पानी काफ़ी गर्म भी हो चुका है। अब हम इसमें चावल डालेंगे, दो कप चावल। पानी हमने चार कप डाला था क्योंकि डबल होता है पानी इसका, चावलों का, और दो कप चावल और चार कप पानी। अब देखें, अब हम इसको दम पे देंगे। पानी खुश्क हो चुका है। जी, हमारे चावल माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखें, बिल्कुल ही एक एक चावल और बहुत ही मज़े का, माशाल्लाह। अब हम इसे डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह से, ये बहुत मज़े के बनते हैं। ये बहुत ही आसान है बनाने में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आज की हमारी डिश कैसी लगी।